हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रागनी सिलाई डिजाइनर। मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ सादे ब्लाउज के स्टिचिंग करने की सबसे आसान तरीका, वो भी अस्तर वाला। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसकी कटिंग बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इसकी कटिंग बताई हूँ। अब दोस्तों मैं इसके स्टिचिंग बता देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से ब्लाउज स्टिचिंग कर सके। तो चलिए दोस्तों, मैंने कटिंग कर लिए हैं इसके, अब हम इसके स्टिचिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें बाजू रेडी करेंगे। ये मेरी बाजू है, उसके बाद में बैक वाला पार्ट रेडी करेंगे, उसके बाद में फ्रंट वाला पार्ट रेडी करूँगी। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं बैक वाला पार्ट नहीं, पहले हम बाजू रेडी कर लेते हैं। दोस्तों ये मेरे पास लेस है, हम इसको बाजू पर लगाएंगे। तो पहले हम बाजू पर ये अस्तर जो मेरी है इसको हम लगा लेते हैं। तो देखते रहिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक देखिए, ताकि आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अपने मनचाहे ब्लाउज बना सकते हैं, और ब्लाउज में डिजाइन भी डाल सकते हैं और अपने फिटिंग बना सकते हैं ब्लाउज। चलिए दोस्तों, हम पहले बाजू रेडी करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर रख लेंगे, रखने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखते रहिए दोस्तों।
Thank you.
देखिए दोस्तों, ये मेरी ब्लाउज रेडी हो चुकी है। बस हमको यहाँ गला पट्टी लगानी होगी, पतली वाली पट्टी हम इसमें लगा लेंगे। उसके बाद मेरी ब्लाउज फिनिशिंग हो जाएगी और हम इसमें काज और बटन कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, सादा ब्लाउज के स्टिचिंग मैंने कितनी आसानी तरीके से बताई हूँ, आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।